हालत देखो मेरी यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई लुक लाइक नॉट ओके। ये पता नहीं कैसा स्टार्ट है ब्लॉग का। आई एम सो टायर्ड। मैंने बहुत चीज़ें अपडेट नहीं की यूट्यूब पे, तो ये वो अपडेट है कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में आजकल। लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। आई रिसेंटली ओपन्ड अ फूड ट्रक नूडल वूडल के नाम से, और मेरा पूरा दिन उसी में लगता है। मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे 3 दिन बाद एग्जाम्स हैं। टुडे इज़ फर्स्ट मे। I am extremely nervous for my exam because मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। 4th को मेरा पेपर है और मैं अब पढ़ना शुरू कर रही हूँ। इस पेज पे मैं पिछले 2 महीने से हूँ। मैं 14 मिनट से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बट आज कुछ भी हो जाए मुझे पूरा सिलेबस किसी तरीके से बस ख़त्म करना है। आई एम स्टार्टिंग एट 9:50 PM। अब मैं ये पूरा ऑल नाइटर लगाऊंगी। ऑल्सो मेरा नया कमरा बना है। दिस वॉल पेपर, आई हेट दिस वॉल पेपर। ये ऐसा लग रहा है डाइनिंग रूम का नहीं उतना वॉल पेपर वो लग रहे हैं, ये बेडरूम का वॉल पेपर नहीं लग रहा है। लेकिन हमारी प्यारी सी अम्मा ने ये चूज़ किया है, उनको पसंद आया तो हमने कहा उनकी पसंद में हम खुश हो जाते हैं। तो दिस इज़ माई न्यू रूम। खैर, आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग नाउ। मेरी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जब एग्ज़ाम 3 दिन में होता है ना, और ईद लिटरली सर पे है, और काम इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो यही हालत मिलेगी आपको। मेरे साइड पे इतना कोई मैसेज है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। पेन गया भाई, मेरा पेन गया। पढ़ाई तो मैंने शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने काफ़ी चीज़ें भी सीख ली हैं। लेसन नंबर 1, कभी भी एंड मोमेंट पे पढ़ाई करना शुरू नहीं करो, वरना मेरी तरह बैठे रहोगे और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेसन नंबर 2, जब भी टाइम मिले भले 5 मिनट ही क्यों ना हो, पढ़ने बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे। लेसन नंबर 3, कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पेपर्स करीब हों, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपका बिजनेस आपका 100% टाइम मांगता है, और यही हुआ मेरे साथ। मैंने नूडल वूडल की कार्ट तो खोल ली, लेकिन पढ़ाई ऐसे पीछे रही है कि कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया। लेकिन खैर, मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ नूडल वूडल स्टार्ट किया है, अहमद और शर्जील, एंड मुझे अहमद की आ गई है कॉल, उनका अब मैं काम करने जा रही हूँ। ब्रेक टाइम है अभी। अहमद की मुझे कॉल आई है कि अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए कार्ट पे, तो मैं उसे डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था, मैं उसे अदरक लहसुन का पेस्ट दूंगी। ये रहा मेरा अदरक लहसुन, और ये एक नहीं है, ऐसे हमने 5 बनाए, 5 किलो अदरक लहसुन है। मैंने कोई 20 मिनट पढ़ा है अभी, और मैं थक गई हूँ, मुझे और नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेपर कोई और तो कर नहीं सकता। काश कोई और कर देता, लेकिन क्या करें यार। अभी मैं हूँ 21 मिनट्स पे, और टाइम हो रहा है हमारा 10:21। अभी तक वैसे सारे काम हम घर पे कर रहे हैं, नॉट सारे, अदरक लहसुन का पेस्ट बस घर पे बन रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, और कार्ट में इतनी जगह नहीं होती कि हम हम सब कुछ एक साथ करें। तो मेरी अम्मा ने ये ड्यूटी ले ली है कि वो अदरक लहसुन का पेस्ट हमें बना के दे देंगी, तो उन्होंने बना के रखा था। कल कॉल आ रही है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, बाय क्या मंगवा लिए? हाँ आ रही है बस। मुझे लगता है बहुत ज़ोर की ज़रूरत है अदरक लहसुन के पेस्ट की। मैंने बाइक अभी तक मंगवाई नहीं है, लेकिन मंगवा रही हूँ। एक तो 10 काम है और कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी तक ड्राइविंग नहीं आई है, सो हर काम मैं बाइकिया से ही करवा रही होती हूँ। जो भी चीज़ भिजवानी है, जो भी चीज़ रिसीव करनी है, बाइकिया बेस्ट। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई विश इट वॉज। बाइकिया प्लीज़ स्पॉन्सर मी। मैं ये बाइकिया करा के आती हूँ, एंड देन आई विल गो बैक टू स्टडीइंग। बाइकिया मैंने मंगवा तो ली है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है वो। कोई तो एक्सेप्ट कर ले, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा जब तक मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती हूँ। सो मेरा चश्मा लूज़ हो गया, मैं ऊपर करती हूँ, मैं यूँ करती हूँ, वो नीचे गिर जाता है। तो दिल चाह रहा है टेप लगा दूँ।
व्हाट इज मैंने पहनी मिल गई नहीं ऑल पार्टनर्स आर बिजी एट द मोमेंट डू यू वांट टू कीप वेटिंग भाई क्या पागल हो गए हो किसी ने एक्सेप्ट कर ली माई बैटरी इज़ फ्लैशिंग तो मैं अभी बैटरी भी लगाने जा रही हूँ अभी मैं बाइकिया वाला बस आने वाला है उनको अदरक लहसुन का पेस्ट दूंगी पढ़ने बैठूंगी और फिर पूरी रात पढ़ूंगी फिर सुबह मुझे जाना है मेहंदी लगाने क्योंकि ईद आ रही है और ईद के दूसरे दिन मेरा पेपर है मुझसे तंग आ चुकी है ना उसको ना भागना है चलो भाई सी यू सून Okay.